अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ उमर अशरफ। आप देख रहे हो अहमद फैमिली टीवी। अपना माह रमज़ान का आज दूसरा अशरा जो है वो ख़त्म हो गया है। आज 20वां रोज़ा है, यानी कि 20th रमज़ान ऑफ माह रमज़ान। पहला अशरा होता है रहमत का, दूसरा अशरा होता है मगफरत का, और अब जो कल से अशरा स्टार्ट होगा वो होगा जहन्नम से निजात का। कोशिश करें कि आखिरी अशरे में, जो आखिरी 10 दिन हैं रमज़ान शरीफ के, वो फजूलियात में ज़ाया ना करें। आखिरी 10 रोज़े ज़रूर रखें। शॉपिंग करनी है तो पहले ही कर लें। शॉपिंग आखिरी दिनों में ना करें, और आखिरी जो रोज़े होते हैं ना 3-4, उनमें कोशिश करें कि फैमिली के साथ बाहर ना निकला करें, नामुनासिब। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और हैं। पहली चीज़ ये है कि आखिरी अशरे में लोग इतकाफ भी बैठते हैं। इतकाफ होता क्या है? इतकाफ ये होता है कि आप 10 दिन के लिए घर के अंदर या मस्जिद में किसी एक जगह पे पर्दा करके बैठ जाते हैं। औरतें घरों में बैठती हैं, मर्द मस्जिद में बैठते हैं। उनको खाना जो देता है वो भी मुंह छुपा के देता है, और जो खाना लेते भी मुंह छुपा के। जो भी लोग इतकाफ बैठेंगे आज, उन्हें मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपको अल्लाह ताला ने इस नेक काम के लिए चुना है। इतकाफ में बैठें, अल्लाह को याद करें, जिंदगी में कोशिश करें कि अगर किसी चीज़ के लिए आप कुर्बानी कुर्बानी दे रहे हैं तो दिल से कुर्बानी दें। इतकाफ में अगर आप बैठ गए हैं तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करें। तरावी पढ़ें, नमाज पढ़ें, इबादत करें, और अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा खानों की फरमाइश ना करें। नॉर्मल खाना खाएं और कोशिश करें कि कम खाना खाएं। ये मेरी टिप्स थी आपको। फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू।